तहसील जो कि जलमहलों की नगरी के नाम से विख्यात है, आज यहाँ पर ब्रज उत्सव मनाया जा रहा है। ये यहाँ की एक पारंपरिक परंपरा को उत्तेजित करता है। ये ब्रज उत्सव ये जो है होली के उसमें उपलक्ष में है, बसंत पंचमी जो होती है ना, तब से ये जो है शुरू हो जाता है इसका बसंत ऋतु, उसके उपलक्ष में इसको यहाँ मनाते हैं होली से पहले। काफी दूर दूर से कलाकारों को बुला गया और उन्होंने अपनी अपनी कला का दिखाया, लेकिन वो एक कोई मंच नहीं था। जो यदि वो मंच होता तो जो पब्लिक इधर उधर भाग रही थी वो भागती नहीं और एक ही जगह बैठे हर कला को देख सकती थी। जो ब्रज है, लोक कला है या उनके जो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। ब्रज की भाषा है जो कम से कम देखने को मिलेगी, लोग जो आएंगे उनके लिए भी। प्रशासन जब 10 साल से इस तरह के प्रोग्राम को कर रहा है और इतनी दूर से बाहर जगह से लोग आते हैं, कलाकारों को बुलाया जाता है, तो क्यों नहीं वहाँ पे उन बाकी के जो ब्लॉक पड़े हमारे थे उनको भी शुरू करना चाहिए था। पहले तो इसकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी और पूरा पानी भरे रहते थे और बहुत बढ़िया था। अभी आप स्वयं देखेंगे कि इसके लिए ना कोई पुरातत्व विभाग से फंड अलॉट हुए है ना, और ना कोई कार्यकाल हुई, ना किसी का ध्यान इस तरफ, जबकि एक मोनूमेंट जो है हिस्टोरिकल है और बहुत ही अहम है। ये एक ही इसके लिए एक मंच होना चाहिए जिससे हर मंच पे कलाकार देख सकें और पब्लिक का इधर उधर भागना ना हो। टेरिज्म डिपार्टमेंट जब इतना पैसा खर्च करता है उसके लिए, तो उसके लिए व्यवस्थाएं भी पूरी तरह होनी चाहिए, क्योंकि एक पार्क से दूसरे पार्क में, दूसरे से तीसरे, पब्लिक इस तरह भाग रही थी जिसका कोई कह नहीं सकते, और पब्लिक काफ़ी थी। और यदि इसमें चार चांद लगा दिए जाए तो इस जो ये फंक्शन है इसको बहुत बड़ा महत्व मिल सकता है और ये एक स्टेट लेवल पर काम आने वाला है। यदि इस ब्रज उत्सव को साल में दो बार मनाया जाए तो यहाँ की जो पारंपरिक संस्कृति है वो बरकरार रहेगी और वह यहाँ के रहने वाले लोगों के दिल में जो भावनाएं हैं वो सामने आ सकेंगी, जिसमें पर्यटन विभाग के अधिकारी का नंबर है 9828398000। सुनीता कसेरा, इंडिया अनड़ के लिए।